वेलकम बैक, आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं शान दस्तरखान और लाइफ बॉय हैंड वॉश डे। 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड्स में। हाथ धो के हम कुकिंग करेंगे स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम ठीक ठाक। आज आप बड़े खुश हैं, क्यों भाई? खुश हूँ। हाँ, बहुत खुश लग रहे हैं। इसलिए कि आप अपनी रेसिपी बना रहे हैं। बिल्कुल, आज जो है ना वो हम एक फुल फ्लेज्ड मील बना रहे हैं जिसका नाम है मोरक्कन चिकन, जिसमें चिकन होगी, मोरक्कन सॉस होगी, मैश पोटेटोज होंगे, सॉटेड वेजिटेबल्स होंगे। वक्त कम होगा और मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त होगा, तो हम काम यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट। इसके लिए जो मैं ग्रिल पैन इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन बनाने के लिए, वो काफी लाइट मटेरियल का है। अगर आपके पास रॉड आयरन का, स्टील आयरन का हो, तो ज्यादा टाइम लगेगा गर्म होने के लिए। ये आधे से ज्यादा गर्म हुआ हुआ था, मैंने ब्रेक में कर लिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे, जहां मामता वहां डालडा। और मैंने क्या किया है, थैंक यू, बस इसको ना तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। साथ में मैंने क्या किया, हो गया और बस ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रिल मार्क्स मैं चाह रही हूं कि अच्छे से आ जाएं। अच्छा, 250 ग्राम चिकन जो आप लेते हैं, जो कि एक पाव होती है, उसमें से भी आप किफायतशारी से पतले पतले ऐसे पीसेस निकाल लेंगे। और ये 250 ग्राम भी नहीं है, ये लिटरली 200 ग्राम चिकन है। और बताने का मकसद ये है कि रेस्टोरेंट वाली एक रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ जो आप बहुत कम पैसों में बना सकते हैं। सो हम ऑयल देख लेंगे कि ये कितना गर्म है। 1,500 से 3,000 रुपए तक में मिलती है टैक्स निकाल के। बिल्कुल सही ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। और 33 जो परसेंट होता है ना, वो एक्चुअल प्राइस होती है उस खाने की जो आप खाते हैं। अगर आपको कोई चीज यानी 100 रुपए में मिल रही है, रेस्टोरेंट वाले इस सेगमेंट का बायकॉट कर देंगे जितनी तफसीलात आप बता रही हैं। मुझे कोई काम नहीं देगा। मगर अच्छा, चिकन पे मैंने सिर्फ सॉल्ट लगा के रखा हुआ था। कुछ लोग इसमें सॉल्ट लगाते हैं, सॉसेस लगाते हैं, मैं सिर्फ सॉल्ट लगाती हूँ, क्योंकि अभी एक मजेदार सी सॉस इसके साथ हम बनाएंगे। सॉस बनाने से पहले हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही मजे के मैश पोटेटोज। और मैश पोटेटोज बनाने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने लेना है बहुत सारा मक्खन। आई लव मक्खन लगा रही मैश पोटेटोज मक्खन के बगैर। भाई आज जो है वो मुझे लग रहा है कि नींद में है थोड़ा सा, है ना? हाँ, प्यार हूँ जरा, उतनी पूरी नहीं हुई ना। आ रहे फ्लो में, सेगमेंट छोटा है, आप फ्लो में आएंगे, सेगमेंट खत्म हो जाना है। ओ भाई, सेगमेंट छोटा है, नशरिया आगे बहुत बड़ी है। हाँ, आपके लिए तो वाकई ये तो है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें मक्खन ऐड कर दिया, चॉप्ड मैंने इसमें गार्लिक ऐड किया है। इसके साथ क्या क्या जाएगा मैं बता देती हूँ कि इसमें हम ऐड करेंगे आलू, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पस की ये डेरी क्रीम, जो कि ऑल पर्पस क्रीम है, आप इसको किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में हम इसमें ऑल पर्पस का मिल्क थोड़ा सा ऐड करेंगे, जो कि हाइजीनिकली पैक्ड होता है, ताकि ये आपको दे 100% गजाइत से भरपूर दूध। अच्छा, चिकन को अपना पलटने का टाइम हो चुका है। जिससे? नहीं, इससे मैं पलट लेती हूँ। जिससे क्यों नहीं? क्योंकि ये आसान होगा। मैंने दिया ये सिर्फ इसलिए वसीम भाई कि मैंने ये स्पैचुला, मैंने कहा वैसे आपने मुझे बात बताना है ना भाई, दूध सोडा वाली जो आपने बात की थी ना, घर जाके भी मैं सोच रही थी कि हाँ वो वाला सिस्टम होना चाहिए था। बिल्कुल, चलिए कल दोबारा बना लेंगे। अच्छा, आंच मैंने इस वक्त की है हल्की, उसकी मैं आपको रीजन बताती हूँ। रीजन उसकी ये है कि ये पैन, अगेन जैसे मैंने कहा था ना कि हल्के लाइक लाइट है, तो इसमें चीज जल ना जाए, ऐसा ना हो कि चिकन कच्ची रहे और दूसरी साइड से जल जाए। तो हम इसको दोबारा एक बार टर्न करेंगे इस वाली साइड के लिए, और हम झटपट आ जाते हैं मैश पोटेटोज की तरफ। सो बटर, गार्लिक, आलू, क्या है, आलू, आलू बॉइल्ड है, गार्लिक। और इसमें हम ऐड करेंगे जनाब ऑल पर्पस की डेरी क्रीम, ये हम ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पस मिल्क, एंड इसके साथ हम इसमें इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। पहली बार देखा है ब्लेंडर लॉक करना सीख लिया भाई। पहली बार सीखा वसीम भाई ने। क्या सीखा है? लॉक। हाँ, ये जो है ना, ये वो अभी क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, उसी पे अटके हुए हैं वो। अच्छा, इसको मैं मिक्स करती हूँ, लेकिन हम पहले इसको कर लेंगे टर्न। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं हुआ टाइम। आप भी दूरी हो जाए। आपने जरा इस पैन को कुछ ज्यादा लाइट ले लिया, इतना लाइट नहीं है। हल्का ले लिया मैंने पैन को। अच्छा, इसको ना जरा ऐसे कर दूँ। हाँ, यस, ताकि बस ये साइड पर जाए। मैश पोटेटोज की तरफ आएंगे। मैंने इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर दी। अगर आपको बहुत स्मूथ पसंद है तो आप आलू में गुठलियाँ ना रखिएगा। आई लाइक कि वो आलू के पीसेज मुँह में आए, पता चले कि क्या बन रहा है एक्चुअली। तो ये अच्छा सा हम इसको करेंगे मैश पोटेटोज को मिक्स। और अच्छा, इसके साथ जो स्टर फ्राइड वेजीज मैं बनाऊंगी, उसके भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हम इस्तेमाल करेंगे जुकीनी, जिसको उर्दू में एक बड़ा फनी नाम है इसका, मारो कद्दू।
क्या नाम है? मारो लाइक मारो कद्दू, मारो मुझे पता मारो क्या मारो मारो कद्दू मारो कद्दू मारो कद्दू अब देखकर साबित होता था मैं मारता आपको। उर्दू में यही बोलते हैं इसको, एक तो कद्दू फिर मारो कद्दू। अच्छा साथ में जो है वो हम इसमें ब्लांच्ड हमने गाजर इस्तेमाल करनी है। ब्लांच का मतलब होता है कि खोलते हुए गर्म पानी में सिर्फ एक मिनट के लिए सब्जी को ऐड करें और फौरन निकाल लें, ना वो कच्ची भी हो ना वो कच्ची हो ना वो पक्की हो। यस, और ब्रोकली भी हमने ब्लांच करके रखी हुई है, लेकिन ये ज़ुकीनी बिल्कुल कौन सा है मारो कद्दू कौन सा है? ये वाला एक ले लो। नहीं नहीं मारो नहीं मां अल्लाह ना करे, उसका नाम है वसीम भाई, अपने अब से रिवा किया करेगा। मैं मारो कद्दू देखना चाह रहा हूं। अच्छा यहां पे अब ये चिकन होने वाली है लिटरली 10 सेकंड्स तो खैर नहीं 20 सेकंड्स में रेडी। अच्छा आपको पता है हम अपनी शेफ लैंग्वेज में एक बात बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा मीट होता है पकाना? हाँ आप गेस करें। चिकन। यस, आप इनको सब पता है। चिकन चिकन क्यों भला? चिकन सही हो गया ना? मैंने बिल्कुल सही, मेरा वाला चिकन होता है या इनके वाला चिकन होता है? कौन सा वाला? ये तय कर दिया था जवाब यार। अच्छा आपको लग रहा है मैंने जो सुन के बताया मैश पोटैटोज जो ठीक लग रहा है आपको ऐसे ऐसे ये तो बताएं क्यों मुश्किल होता है? इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि अगर आप किसी भी और मीट को ओवर कुक कर देते हैं सी फूड के अलावा, सी फूड को कोई ओवर कुक नहीं करता, सबको पता है 3 मिनट में पक जाता है, तो वो फिर भी जूसी रहता है। चिकन अगर आप ओवर कुक कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएगी, और कच्ची रखेंगे तो बीमार हो जाएगा इंसान खा के। कच्ची नहीं खा सकते आप चिकन, बीफ फिर भी कच्चा अफकोर्स खा सकते हैं। तो अच्छा बीफ बहुत लोग कच्चा खाते हैं, और मुझे बाय द वे वही वाला, मैं तो रेयर रेयर स्टेक खाने वालों में से हूँ, मैं तो मीडियम रेयर भी नहीं रेयर। अच्छा मैं और प्रहलाद साहब जो हम जहाँ जहाँ जाके दुनिया भर में खाते हैं ना वो जो बिल्कुल ही रॉ वाला, मैंने बाय द वे आपके लिए अभी एक स्टेक लाइनअप किया हुआ है, और वो बड़ी एक फेमस जगह है यूरोप में, वहाँ पे वो मिलता है स्टेक एंड फ्राइज। अच्छा ये मैश पोटैटोज मैंने इस तरह से कर दिए हैं सर्व, इनको अब हम यहाँ से हटा देंगे। हम झटपट आ जाएंगे हमारे सॉटेड वेजिटेबल्स की तरफ, उसमें हम ऐड करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, थैंक यू चाह मामता वहाँ डालडा। यहाँ पे हम चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देंगे इसमें, और साथ में ये सारी सब्जियाँ हम शामिल कर देंगे, इसी को मैं यूज़ कर देती हूँ बिकॉज वही इसी के साथ खाना है आपने। एंड उप्स सब्जियों के साथ जो आपकी सीजनिंग है वो बहुत मैटर करती है, ओरिगैनो जिसको लोग ओरिगैनो भी बोलते हैं वो हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, एंड हम इसमें ऐड करेंगे अ बिट ऑफ सॉल्ट, काली मिर्चों का पाउडर। ये कमाल है कि आप बोर भी हो रहे हैं और आपने अभी तक कोई तोड़ फोड़ भी नहीं की, इसको मैं आपको खराज तहसीन, थैंक यू वेरी मच सर, आपने एहसास किया, शुक्रिया आपका। खाली मैं इससे गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा अब साथ में हम ये करेंगे कि ये जो हमारी ग्रिल्ड चिकन है इसको हम पैन पे रख देंगे थोड़ा सा गोल करके लाइक दिस, ताकि ये देखने में भी जो है वो खूबसूरत आपको लगे। सॉस बनाने की हम करेंगे तैयारी, और इसके लिए हम जगह आज मैंने बहुत जगह बनवा के रखी हुई है, बाय द वे नीचे जगह ही जगह है। अच्छा जी फिलहाल इसके ऊपर रख देते हैं। अब हम ये करेंगे कि इसको आप देख लीजिएगा, देखने से मतलब ये है कि स्टफ भाई सब्जी को देख रहा हूँ मैं, वसीम भाई यार ना करें यार, आप यार आपने कहा है वो मुश्किल से, अब मेरी मजबूरी है अब पर आगे वैसे ईद है भाई ने कहना चलो वैसे खुशी का मक्खन मौका भी है दस्तूर भी है। अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन रही है, मोरक्कन सॉस जो एक्चुअल इस डिश को लाइक मजे का फ्लेवर देगी, उसको हम तेज आंच कर देते हैं, इसको आप स्टर फ्राई कर लीजिएगा। क्या यूं करूं इसको या नहीं? जैसे हाँ हाँ कर ले बिल्कुल, ताकि वो सीजनिंग मिक्स हो जाए ना। अच्छा बटर जो है वो मेल्ट हो रहा है, इसमें हम ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स, नॉर की चिकन क्यूब मैं ऐड करूँगी जो कि किसी भी खाने के मज़े को 4 चांद लगा देती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड नॉर्स अमेजिंग सॉसेस जो कि हैं रियल टमाटर से बनी, एक नॉर चिकन क्यूब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा सर हम इसको करेंगे, इसको क्या कर रहे हैं हम सौते कर रहे हैं, इसको सौते कर रहे हैं, स्टर फ्राई कह सकते हैं, सौते कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है बोलने में। आपको क्या अच्छा लगता है उसमें बोलने में? सौते कैसे ऐसे बोलते हैं सौते? हाँ इस वक्त तो आपको बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सोते सोते अलग ही हाँ ऐसा मैं सोते 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 अच्छा ये जो नॉर्थ चिकन क्यूब है ये अच्छा सा यहाँ पे हो रही है मेल्ट, हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपेस की फुल क्रीम डेरी क्रीम। अच्छा साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जनाब यस केचप, ये हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर,
साथ में नॉर केचप हमने ऐड की, इसी के साथ हम ऐड कर देंगे इसमें चिली सॉस, क्योंकि जो मोरक्कन सॉस होती है ना वो लाइट पिंक सी रेडिश सी होती है कलर में, क्रीमी भी होती है लेकिन स्पाइसी भी होती है। और इसमें मैं कोई बाय द वे सॉल्ट ऐड नहीं कर रही, क्योंकि जो हमने नॉर की चिकन क्यूब ऐड की है वही इसमें सॉल्ट भी लाएगी, वही इसमें एक मज़े का फ्लेवर भी लाएगी। और ये हम ऐड कर देंगे जस्ट अ बिट ऑफ मिल्क। और हमारे पास कितना टाइम है, कौन बताएगा? टाइम खत्म हो चुका है ऑलरेडी। हो गया? यस सर। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमने अच्छी सी इस पे सॉस मोरक्कन जो कि एब्सोल्युटली है रेडी ऐड करती है। एंड साथ में हम ये स्टर फ्राइड वेजीज जो कि हो चुकी हैं, थैंक यू, ये हम ऐड कर देंगे और हमारी डिश है बिल्कुल तैयार। वसीम भाई, तकरीबन 10-12 बरस से आप माशाल्लाह किचन सेगमेंट के, तो अभी तक क्या डिश आपने सीखी है माशाल्लाह? सर, सच्ची बात है, मुझे किसी ने कुछ कहा, पता है मुझे किसी ने कहा आपके बारे में, वो किसने क्या कहा? मैं बताती हूँ, आपका ही र्यूमर है, बड़ी जबरदस्त र्यूमर है, आपके बारे में किसी ने कहा कि आप जो है ना वो एक्टिंग करती हैं, और आप अगर मैं पिछली ट्रांसमिशन निकाल के देखूँ तो आप खाना पकाया करते थे, एफर्ट किया करता था, लेकिन वो हाँ उस तरह मतलब वैसे कर लेता था। इस दफा तो मैंने बिल्कुल ही हाथ नहीं डाला, ये बात सही है, ट्राई नहीं किया मैंने, इसलिए कि उस वक्त काम बहुत फैल जाता था और हम जरा संभालने की कोशिश करते थे। अभी जरा थोड़ा सा टाइम मैंने शर्मिंदगी से बचने का फैसला किया कि भाई छोड़ ही दो बस। बट एक दो दिन बाद कुछ ट्राई करेंगे, अब आखिरी है ना, अब करेंगे ट्राई। बस मुश्किल काम नहीं, मुश्किल सी ड्रिंक लेके आती हूं मैं। हां, लेकिन उस दिन ये वो वाला दूध सोडा इनसे बनवाते हैं, इनसे बनवाते हैं। ओहो, वो क्या होता है, मतलब दूध को यूं यूं करना होगा, मिक्स करना होगा। हम रेनकोट पहन के आ जाएंगे क्योंकि इधर उधर बहुत। चले जी, डिश है वो। थैंक यू, क्या बात है भाई, जबरदस्त, बहुत सारी तालियां, एक्सीलेंट, क्या कहने, जबरदस्त, कम वक्त में और कम खर्च में बेहतरीन डिश बना ली आपने। हम एक ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा।